और दोस्तों क्या हाल है? मौज आ रही है नहीं आ रही? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डे सेवन। डे सेवन स्टार्ट करने से पहले देखो, मैं कुछ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि मेरे से व्हाट्सएप पे डाउट वगैरह पूछते हैं, तो मुझे कनेक्टेड रहते हैं वो लोग मेरे से, तो अपने डाउट्स वगैरह और अपने स्कोर शेयर करते रहते हैं। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं रिसेंटली जिन्होंने मुझे अपने स्कोर शेयर करे हैं। लास्ट ओली बोर्ड का मॉक टेस्ट हुआ था शायद, और दो तीन टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट दे रहे हैं लोग, उन्होंने मुझे अपने स्कोर शेयर कराया। तो मुझे जैसे देखो, ये देख के काफ़ी बढ़िया लगता है कि यार का बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और बढ़िया बढ़िया स्कोर हासिल कर रहे हैं। तो जो लोग भी अभी मतलब डाउट्स पूछते हैं, अपने मॉक टेस्ट के स्कोर शेयर करते हैं, तो आप लोग शेयर करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आप में से जो जो भी लोग ये सब करते हैं, थैंक यू। आपको मेरी वीडियो देख के अच्छा लगा, आप लोग पढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, मुझे भी देख के बढ़िया लगता है। ऐसे अपना पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। देखो अब मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि एक दो सेशन में, दो सेशन में मैक्सिमम, एक दो सेशन में आने वाले, ये पूरा ख़त्म कर दूँ इंग्लिश का, ये जितना अभी टीयर टू का क्रैश कोर्स टाइप चला रखा है हमने। और इसके बाद हम क्या करें, हम है ना दो वीडियो ऐसी बनाएंगे जिसमें कि हम जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं ना वो सारे शेयर कर लूँगा मैं। तो आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, मतलब जो भी आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चन है जो कि आपसे नहीं हो रहा है, या जिसमें भी आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा, सोल्यूशन दिया हुआ उसके भी पल्ले नहीं पड़ रहा, तो आप मुझे इस वाले नंबर पे, जो मैंने आपको नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दो मुझे जो भी आपके डाउट्स हैं। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार कॉल मत करना, देखो कि कॉल करते हो आप तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत सारे लोगों को एक साथ अटेंड करना, बहुत सारे कॉल्स आ जाते हैं तो मैं उठा नहीं पाता उन्हें। तो सबसे बढ़िया है आप क्या करो, ये इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप करोगे आप जो भी आपकी क्वेरी, जो भी डाउट हो, अगर तभी के तभी सोल्व करने का होगा तो मैं सोल्व कर दूंगा। वरना मैं सोच रहा हूँ कि जो भी आपके डाउट्स हैं, जैसे भी हैं, उन सबको एक वीडियो में ले लो और एंड में एक पूरी वीडियो बना दो डाउट्स की, ठीक है? तो जो भी आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चन है जो आपको लगे कि सोल्व नहीं हो पा रहे आपके, देखो इतने नंबर लाने हैं आपको आराम से आएंगे, बहुत सारे थे, मैंने कुछ कुछ मार्क्स बच्चों के शेयर करे हैं जो कि मुझे अभी रिसेंटली, मैंने आज ही, आज आज में आए हैं ये सारे मार्क्स, तो मैंने आज ही जो जो आए थे वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए मैंने मार्क्स। ऐसे बहुत लोग हैं, ज़्यादातर के मैं कर भी नहीं पाया, बहुत लंबा हो जाता लिस्ट, लेकिन जो जो भी मुझे सबसे ऊपर थे व्हाट्सएप में, मैंने इनके मार्क्स लेके आपको शेयर कर दिए। तो ये बेसिकली मोटिवेशन के लिए कि देखो आप भी पढ़ते रहो, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है फॉलो करते रहो, आप लोगों के भी ऐसे मार्क्स आएंगे, इससे बढ़िया ही नंबर आएंगे, ठीक है? तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टिप्स मैंने पहले ही बताई हुई है, पोस्ट करके पढ़ लेना। जीएस पहले करना है, इंग्लिश बाद में करना है, 50 मिनट इंग्लिश को मिनिमम देनी है, 10 मिनट जीएस को मैक्सिमम देनी है। अच्छा आप लोग में से कुछ लोग अगर मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि जीएस की भी स्ट्रेटेजी बनाऊँ मैं, मेरे जीएस में भी काफ़ी बढ़िया नंबर आए थे। सेक्शन टू में मेरे 210 में से मॉक टेस्ट में 200 से ऊपर भी आई हैं, और वैसे भी 180 प्लस 190 के आसपास मार्क्स आ जाते थे मेरे। तो अगर कुछ लोग आप में से चाहते हैं कि मैं जीएस की भी अलग से स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इसी वाली वीडियो में मैं जीएस की भी स्ट्रेटजी बना दूंगा कि लास्ट टाइम में क्या करना है, और आपको, और अगर 2024 के लिए जीएस की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लेमर पहले बताया, टीयर टू वालों के लिए सीरीज, टीयर वन के वालों के लिए नहीं है। मेरे बारे में डिटेल्स पढ़ना चाहो पोस्ट करके पढ़ लो, मेरे मार्क्स हैं, वो एग्जाम मैंने क्लियर करे हुए हैं, और ये मेरे मार्क्स हैं इंग्लिश में, पोस्ट करके पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अब जो टारगेट हमारा क्या लेके चल रहे थे, वो कैब कॉम्प्रिहेंशन पैराजम्बल हम कर चुके हैं, ग्रामर के 15 क्वेश्चन बचे हैं बस। अगर आप अच्छी तरह पढ़ रहे हो, बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया तरह पढ़ रहे हैं, जो जो मैंने बताया वो सब उन्होंने वीडियो देखी है पूरी, और जो होमवर्क बताए सारे होमवर्क सोल्व करें, सारे क्वेश्चंस पास्ट ईयर के जो भी मैंने बताए वो काम करें उन लोगों ने, उन लोगों के अभी तक इंग्लिश में बहुत बढ़िया नंबर आ रहे हैं, ठीक है? तो अब ग्रामर बची है बस दो तीन वीडियो में, एक वीडियो मैंने बना दी थी आज ही, वीडियो नंबर 6, वीडियो नंबर 7 ये थी ग्रामर का, इसमें आधा आपका कवर हो जाएगा। अब देखो ग्रामर में हमने डे 6 में तो कंप्लीट कर लेते हैं एक्टिव पैसिव, आज है टारगेट हमारा इस वाली वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच खत्म करना। अब देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है ना, ये बहुत ही सिंपल है, मतलब एक्टिव पैसेज से भी मैं इसे एक दर्जन सिंपल में ही रखूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्टिव पैसेज में हमारा क्या, एक्टिव पैसिव वॉइस में हमारा क्या होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में गलती होने के चांसेस होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो बिल्कुल नहीं है, वो भी नहीं है, मैं बताऊंगा। देखो अगर आप फिर भी, अगर आप मतलब 100 में से अगर 90% आप सही कर दोगे ना क्वेश्चन बिना पढ़े भी, तो 10% वो आज सही कर दोगे अभी वीडियो देखने के बाद, इसे एंड तक देखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है वाली भी। और इसमें क्या है कि इसे देखने के बाद अब कोई भी क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा गलत करेगा, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, एकदम सही होने चाहिए। अब देखो इसमें करना क्या होता है,
देखो मैं बेसिक से तो पढ़ाऊंगा नहीं आपको एक्टिव पैसिव के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कि क्या होता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मतलब इसका फंडा क्या है, हैक क्या है, क्या ऐसी चीज है जिसको करने से आप सारे क्वेश्चन सही कर दोगे बिना किसी एरर के। तो इसमें सबसे पहले वो क्या करना है, जो ये है ना ये टेबल याद कर लो जो मैं इसमें लिख रखे सामने। डायरेक्ट स्पीच में हम ये वर्ड्स यूज करते हैं और यही वर्ड जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इस चीज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आई है ना वो ही या शी में कन्वर्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट स्पीच में बेसिकली हम क्या करते हैं, कोट्स में लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच को हम, और कोट्स में लिखते हैं कि राम सेड आई विल गो देयर, उसका इनडायरेक्ट हो जाएगा राम सेड दैट ही विल गो देयर से हो जाएगा। राम की जगह सीता है तो सीता का शी हो जाएगा। इस तरह से चीजें चेंज होती हैं। अब ये सारे वर्ड्स किस वर्ड को क्या चेंज करते हैं ये सब याद कर लो अभी के अभी। वीडियो पॉज करो अभी के अभी सारा याद कर दो। ये देखो याद कैसे करना है आपको, इस वाली पे उंगली पूरी इस पे हाथ रख दिया कि ये क्या है, और ये देखो ही को क्या कहते हैं, ही कहते हैं, शी को क्या कहते हैं, शी कहते हैं, इट को कहते हैं, इट कहते हैं, अस को क्या कहते हैं, देम कहते हैं। ये सारे याद कर लो अभी, पूरा रट लो, बिना ये रटे आगे मत बढ़ना। ये सब नहीं आते होंगे, याद नहीं होंगे तो एग्जाम में वरना गलती हो जाएगी। ये सारे याद कर लिए, अच्छा आगे बढ़ो। ऐसे ही है, नाउ का कर देंगे देन, हेयर का कर देंगे देयर, टुडे का कर देंगे डेट डे, टुमोरो कर देंगे द नेक्स्ट डे। इस तरह सारे याद कर लो कि डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड्स इनडायरेक्ट स्पीच के इन वर्ड्स में चेंज हो जाते हैं। याद कर लिया, अब आगे बढ़ो। ऐसे ही है, किस्मत हो गया, क्या किस में होना चाहिए, सॉरी। देखो कैन का कुड कर दो, मे का माइट कर दो, मस्ट का ओट टू कर दो, ये सारी हिसाब से चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है ये। अब इसमें कुछ रूल्स हैं। अब देखो ये रूल्स आपको बिल्कुल कंटेस्ट होने चाहिए इससे, मतलब देखो अगर मैंने समझाने जाऊंगा तो देखो बहुत सिंपल है। अगर आपने टीयर वन की तैयारी आप कर रहे होंगे, अगर मैं शुरू से बताता देखो टीयर वन के हिसाब से तो मैं सब कुछ आपको पढ़ाता, लेकिन अब क्योंकि आप टीयर टू के लिए पढ़ रहे हो तो आपको मैंने रूल दिखा दिया। अब आपको इतना इंटेलिजेंस होना चाहिए आप में कि आप ये देख के याद कर लो। बहुत सारे लोगों के याद होंगे भी, लेकिन फिर भी आप ये पॉज करके वीडियो ये सारे रूल्स एकदम याद कर लो, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब अगर ये मतलब टाइम हमारे पास ज़्यादा होता है, एग्जाम मतलब 24 की तैयारी कर रहे होते हैं हम, तो एक एक रूल में आपको पढ़ाता, समझाता उसमें क्या है और उसका एग्जाम्पल कराता। लेकिन क्योंकि अभी टाइम तो कम है और आप इंटेलिजेंट हो तो मैं ये सब बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको ये रूल्स नहीं आते हैं या आपको समझ नहीं आ रहा इनमें क्या है, तो आप पॉज करो, ये जो भी समझ नहीं आ रहा है स्क्रीनशॉट भेज के मुझे व्हाट्सएप कर दो कि ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, मैं आपको पर्टिकुलरली एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अब मान लो आप 100 में से 10 बच्चों को कोई चीज़ नहीं आती होगी तो उसके लिए मैं बाकी 90 का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं मानूंगा कि आपको पता है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट क्या है, वो कन्वर्ट कैसे वाज वर्ब में हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी में हो रहा है। बस मैं आपको फॉर्मूला सारे इसलिए दिखाना चाहता हूँ जिससे कि आपको एक जगह सारे फॉर्मूले मिल जाए, जिससे कि आप इसे वीडियो पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके नोट्स बना लो, इसे याद कर लो। बेसिकली इस पूरे को आपको याद करना है, कोई भी चीज़ में समझ नहीं आ रही मैंने व्हाट्सएप नंबर शुरू में दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके मेरे से पूछ लो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड जो नहीं आता होगा मैं डाउट क्लास में ले लूंगा उससे, ठीक है। तो वीडियो पोस्ट करो और ये पूरी की पूरी टेबल एकदम अभी के अभी याद कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो। अब मैं मानता हूँ कि आपने ये वीडियो पोस्ट करके सारा कुछ याद कर लिया होगा। पुरानी दो दो स्लाइड है जिसमें ये बताया कि किस चीज का किस चीज में चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वो आपने याद कर ली होगी। अब क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन पहला देखो क्या है, ये मैंने सारे पुराने ईयर के क्वेश्चन ही लिए। पुराने ईयर के भी देखो मैंने इसमें वो क्वेश्चन लिया है जो क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपने गलत कर रहे होंगे या फिर सबसे मुश्किल होंगे। जो इजी क्वेश्चन है मैंने वो लिए नहीं इसमें, क्योंकि वो तो सब लोग कर देंगे, आप लोग भी आराम से कर दोगे। और अगर आप ये वाले क्वेश्चन सोल्व कर लोगे ना बढ़िया तरीके से इजिली, तो वो वाले क्वेश्चन तो ऑलरेडी बहुत आसानी से कर दोगे। तो मैंने लिए जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी, वो वाले क्वेश्चन लिए मैंने, जिसमें कि आप एक बार ये सोल्व कर लो तो पूरा सोल्व कर दो, फिर कुछ ना बचे, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे जो आपको एग्जाम में कभी कभी आती है और वो फंसा देती है। अगर ये वाली चीज आप कर लोगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको फंसा नहीं पाने का फिर, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या क्वेश्चन है, राघव सेड टू मीरा आर यू अपसेट विद मी, मतलब राघव ने मीरा को बोला कि क्या तुम मुझसे अपसेट हो, नाराज हो। अब देखो इसमें इंटरोगेटिव आ गया सबसे पहली बात, तो आर यू अपसेट विद मी। अब देखो जो मी वर्ड है ना ये किसके लिए यूज हो रहा है, मतलब राघव ने मीरा को बोला कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, तो मी यूज हो रहा है राघव के लिए, समझ आए आपको। और यू किसके लिए यूज हो रहा है, यूज हो रहा है मीरा के लिए। तो अब देखो ये कुछ पूछ रहा है इससे, तो आस्क्ड आएगा, सभी सेंटेंस में आस्क्ड है, राघव आस्क्ड मीरा।
अब देखो लास्ट ऑप्शन देखो, वाई वो शी वो, अब वाई तो नहीं पूछ रहा है, वाई वाई का मतलब होगा कि तुम मेरे से क्यों अपसेट हो, ये तो पूछ ही नहीं रहे, तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट करके चलो। जब भी आप देखो मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हो या एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो, आप ऑप्शन का यूज करो, डायरेक्ट इंडायरेक्ट में भी, एक्टिव पैसेज में भी। मैं बता रहा हूँ मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत लोग जिन्हें मैंने बताया उन सबका एक्सपीरियंस है कि जब भी आप यूज करते हो ऑप्शंस का सोल्व करते हुए एक्चुअल एग्जाम में, तो आपकी गलती होने के चांसेस बिल्कुल 0% के आसपास हो जाते हैं, क्योंकि जो आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे ना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो ऑप्शन आप किसी अपनी पर्टिकुलर रूल्स की रीजनिंग के बेस पे एलिमिनेट करोगे, वो कभी सही नहीं हो सक पाएगा, फिर ऑप्शन गलत होगा, तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे उसमें, आप गलती नहीं करोगे। अगर आप इनमें से अपने दिमाग इसे क्वेश्चन को सोल्व करके फिर आंसर टिक करते हो, तो गलती होने के चांस इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने सोल्व करा तो क्या पता आपने कोई चीज मिस कर दी हो। लेकिन जब आप किसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे ना, वो ऑप्शन सही नहीं हो सकता फिर कभी, तो आप सीधा अपने आप आंसर पे पहुंच जाओ। जैसे मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया क्योंकि सही नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें बोल रहा है कि तुम मेरे से क्यों अपसेट हो, वो ये नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है क्या तुम मुझसे अपसेट हो, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो तीनों ऑप्शन है, अब एक एक ऑप्शन करके एलिमिनेट करते हैं। अभी देखो राघव आस्क्ड मी ना इफ शी वॉज अपसेट विद मी, अब देखो मी तो आएगा नहीं, मी चेंज हो जाता है हिम या हर में, ठीक है? अब हिम या हर, बस अब देखो दोनों में, ये दोनों ऑप्शन में देखना है मैं, हिम हर सेट हो रहे कि नहीं। राघव आस्क्ड मी ना इफ शी वॉज अपसेट विद हर, अब हर तो नहीं होगा ना, हर क्यों नहीं होगा, क्योंकि राघव के लिए ही यूज होना ये वाली चीज, राघव तो हिम होगा ना, राघव क्योंकि मेल है, राघव आस्क्ड मीना इफ शी वॉज अपसेट विद हिम, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। देखो राघव ने मीना से पूछा कि क्या तुम उससे अपसेट हो, जो राघव के लिए यूज होना है पे हिम, ठीक है ना, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आई होप आपके समझ आए हो, अगर समझ नहीं आए तो दोबारा देखो इसे एक बार, और तब भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा, ठीक है? लेकिन काफी इजी है मेरे हिसाब से, समझ आ गया होगा, लेकिन इजी है लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, एक प्रोनाउंस का यूज आ गया, तो प्रोनाउंस के यूज में मिस्टेक करते हैं लोग, इंटरोगेटिव सेंटेंस में मिस करते हैं। ये सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, काफी लोगों का गलत हुआ था इसलिए मैंने डिस्कशन करा अभी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में देखो क्या है। शिखा आस्क द हैवी रेन दिस वीक हैज स्पॉइल्ड ऑल माई ट्रेवल प्लान्स, अब शिखा ने बोला है कि बहुत तेज बारिश हुई उसकी वजह से मेरे सारे ट्रेवलिंग के प्लान्स स्पॉइल हो गए। अब देखो इसमें हैज आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है सेड, जब भी सेड आए ना, तो जो ये कोट्स खोलते हैं पूरा इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं इसकी, तो ये जो पास्ट सेड मतलब पास्ट टेंस हो गया यहाँ पे सेड में, तो जो अंदर का है ना पूरा, ये पूरा पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? अब पास्ट फॉर्म में देखो कैसे कन्वर्ट होगा, सेड है सेड सेड सेड, तीनों में सेड ही आएगा, एक में टोल्ड आए, टोल्ड भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। द हैवी रेन्स दिस वीक हैज स्पॉइल्ड ऑल माई ट्रेवल प्लान्स, अब माई किस में कन्वर्ट हुआ यहाँ पे देखो, ये शिखा बोल रही है कि मेरे ट्रेवल प्लान्स हो गए, तो हम बोलेंगे हर, शिखा के मतलब हर, तो शिखा के लिए यूज होगा हर, तो हर इसमें है, इसमें इसमें हर भी सब में, कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। अब देखो पहला ऑप्शन पूरा ही पढ़ लेते हैं, शिखा सेड दैट द हैवी रेन दैट वीक, इसका दैट हो गया बिल्कुल सही है, सब में दैट है, देखो इसमें दिस है ये एलिमिनेट हो गया, इसे हटाओ। द हैवी रेन दैट वीक हैड स्पॉइल्ड ऑल हर ट्रेवल प्लान्स, अब देखो हैज का हैड कन्वर्ट ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि सेड आ गया ना, पास्ट टेंस है, तो हैज का हैड कन्वर्ट होगा, तो ये तो हो सकता है ऑप्शन। अब हैड इसमें है, इसमें हैज है, तो ये भी हट गया। अब तक हमने कौन से हटा दिए, देखो अब तक हमने हटा दिया ऑप्शन नंबर 4th और ऑप्शन नंबर 3rd, ठीक है, क्योंकि एक तो इसमें हैज यूज हो रहा है, ठीक है, और इसमें दिस यूज होता, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब इन दोनों ऑप्शन में देखते हैं, अब देखो इन दोनों ऑप्शन डिफरेंट क्या है। शिखा सेड दैट द हैवी रेन दैट वीक हैड स्पॉइल्ड ऑल हर ट्रेवल प्लान्स, शिखा टोल्ड मी दैट द हैवी रेन्स दैट वीक हैड स्पॉइल्ड ऑल हर ट्रेवल, देखो इसमें ये वाला ऑप्शन आएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्यों आएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि देखो बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली सिमिलर चीजें बन रही हैं इनमें, ठीक है, ऑल हर ट्रेवल प्लान्स आ गया इसमें, हैड स्पॉइल्ड आ गया, टोल्ड मी फालतू में हम यूज नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे टोल्ड होता केवल मी ना होता तो ये ऑप्शन सही भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ये रिडंडेंट मी आ रहा है ना, इसका यूज नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी था इसलिए मैंने अगेन ये लिया है, थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेट करने में इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, अगर आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हो समझ लेते हो, अगर आपको नहीं समझ आया मुझे व्हाट्सएप कर देना, लेकिन काफी ईजी है ये भी, इसका ऑप्शन इसका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं, आई कांट फाइंड माई कीज मैरी टोल्ड जॉन,
मैरी ने जोन को बोला कि मुझे अपनी चाबियां नहीं मिल रही है। अब देखो टोल्ड आया, मतलब टोल्ड है पास्ट टेंस। अब इसके अंदर वाली जो चीज होगी पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब पास्ट में कैन कन्वर्ट हो जाता है कुड में, ठीक है। तो कैन नोट का हो जाएगा कुड नोट। अब देखो कुड नोट किसमें है, इसमें कैन नोट है गलत है, इसमें कैन नोट है गलत है, इसमें कैन नोट है गलत है, तीनों गलत हो गए। कुड नोट पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो केवल छोटी सी आपको ये चीज पता था, इससे तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन करते चलो, क्वेश्चन सोल्व करना काफी ईजी हो जाता है। और ये याद करते चलो कैन कुड में चेंज हो जाता है। अब देखो कैन कुड में इसमें तो चेंज हो गया क्योंकि इसमें टोल्ड आ गया। अगर ये टेल्स आता ना, टेल्स तो नहीं चेंज होता। देखो जैसे अगला एग्जाम्पल देखो, सारा सेज आई कैन सिंग वेरी वेल। अब इसमें सेज है प्रेजेंट। अब जब प्रेजेंट वाले सेंटेंस को अंदर को खोलेंगे ना, तो ये जो इसका टेंस है ये चेंज नहीं होगा। ये जो टेंस में इस वक्त है ना, इसी टेंस में रहेगा। अब देखो सारा सेज दैट शी कुड सिंग वेरी वेल। अब कुड में चेंज नहीं होगा क्योंकि यार पास्ट टेंस हो गया ना कुड, तो पास्ट में चेंज होना नहीं, तो ये गलत हो गया। सारा सेज दैट शी कैन सिंग्स वेरी वेल। अब देखो ये है तो वैसे टेंस तो इसका सही है, लेकिन कैन सिंग्स नहीं होता ये, मतलब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसका ठीक नहीं हो रहा, सिंग्स गलत है ये, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अगला ऑप्शन है सारा सेज दैट शी कैन सिंग वेरी वेल, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक हो गया ये। क्यों ठीक हो गया? क्योंकि आई शी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने टेबल दी हुई ना पहले, वो आप याद कर लो, उस वो याद करोगे तो आप इजीली बता ही दोगे थर्ड वाले में कन्वर्ट। एक्चुअली काफी इजी चीज है, बस एक बार थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो कि थोड़े एनोमली टाइप में आ सकते हैं, फिर जैसे कैन को कुड में चेंज कब करना है कब नहीं करना है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको नहीं भी आता होगा पहले तो आपको आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें देखो, दे से वी हैव फिनिश द असाइनमेंट। अब से अगर सेड होता तो अंदर वाले को हम चेंज कर देते, इसका टेंस हैव को हेड कर देते, लेकिन अब क्योंकि बाहर प्रेजेंट है तो इसको चेंज नहीं करेंगे हम। दे से वी हैव फिनिश द असाइनमेंट, वी हैव, अब यही हो जाएगा, हैव ही रहेगा। अब देखो वी हैव ही को चेंज कर देंगे दे में, तो ये तो गलत हो गया, इसमें तो वी वी है। अब वी हैव फिनिश द असाइनमेंट होना सीधा, हेड तो नहीं आएगा देखो, क्योंकि पास्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम, से है क्योंकि प्रेजेंट है, तो ये गलत हो गया, ये वाला गलत कर दिया था हमने, ये दोनों देखो। अब दैट दे हैज फिनिश, हैज तो दे के साथ यूज नहीं होता, दे के साथ हैव यूज होता है। सिंगुलर के साथ हैज यूज होता है, प्लूरल के साथ हैव यूज होता है, तो दे है प्लूरल है तो हैव यूज होगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया, काफी ईजी था। अगला देखते हैं, शी सेज आई लिव्ड इन जर्मनी फॉर अ ईयर। अब देखो यहाँ पे भी अगेन ये वाला टेंस क्या है, सेज है, यहाँ पे सेज यूज, सेज होता है प्रेजेंट के लिए, ठीक है। अब आई लिव्ड इन जर्मनी फॉर अ ईयर, अब देखो अंदर वाली बात का टेंस हमें चेंज नहीं करना, सेम टेंस रखना है सेज में। शी सेज दैट शी लिव्स इन जर्मनी, देखो हम पास्ट का हमने प्रेजेंट तो कर नहीं सकते हम, तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। शी सेज दैट शी लिव्ड इन जर्मनी फॉर, ये सही हो सकता है। आगे देखते हैं, शी सेड दैट शी हैड लिव्ड नहीं करना है। अगर ये सेड होता है यहाँ पे सेज की जगह, तो फिर हैड यूज कर देते, आई हैड लिव्ड, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ में, शी सेड दैट शी लिव्ड इन जर्मनी फॉर एयर। अब देखो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे सेड कर दिया इसने, सेज का सेड नहीं कर सकते हम, तो ये भी गलत हो गया, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। अब जैसे अब आगे देखते हैं, अब फ्रैंक सेज आई एम स्टडीइंग फॉर द एग्जाम। अब देखो यहाँ पे भी सेज है, मैंने काफी सारे प्रेजेंट के ऑप्शन से लिया, जिससे कि कई लोग क्या करते हैं कि अपने आप ही इसे कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट टेंस में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है इसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दो। आई एम स्टडिंग का बहुत लोग कर सकते हैं, ही वॉज स्टडिंग कर देते हैं अपने आप ही, ये बिना देखे कि यहाँ पे सेज है कि सेड है। तो प्लीज आप ये देखना कि बाहर अगर पास्ट टेंस नहीं है ना, तो बिना मतलब में उसे पास्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, गलत हो जाएगा आंसर। सेज का सेज रहेगा, ये गलत हो गया। सेज सेज सेज, तीनों में सेज है, तीनों सही हो सकते हैं। देखो अब ही वॉज स्टडिंग, बिना मतलब में वॉज कर दिया, यहाँ पे वॉज करना भी नहीं था, ये भी गलत हो गया, ठीक है। ये तो गलत है ही, ये इन दोनों में देखो, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ही इज स्टडिंग आ रहा है यहाँ पे, अब ही स्टडीज आ रहा है यहाँ पे, अब ही स्टडीज तो गलत ही है ना, क्योंकि ही वो ही इज स्टडिंग होगा भाई, आई एम स्टडिंग का ही इज स्टडिंग हो जाएगा ना, हम इसे स्टडीज तो कर नहीं सकते ना, मतलब पूरा कंटिन्यूअस से इनडेफिनिट में चेंज कर ही नहीं सकते हम, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ वाला ऑप्शन सही आंसर हो गया, काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी भी देखो इसलिए लग रहे होंगे कि आपने थोड़ी पढ़ाई कर ली है, प्रैक्टिस करी होगी आपने। अगर आप लोग को तो ये भी थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बस ये वीडियो देख के जो मैंने स्लाइड दी है उस स्लाइड को याद करके, दोनों रूल्स वाली को भी और क्या चीज किस चीज में कन्वर्ट होती है वो याद करके आपको एक बार दोबारा से प्रयास करना है। अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया है बिल्कुल, फिर भी अगर स्लाइड याद करके भी और इन्हें सोल्व करते हुए भी अगर कोई डाउट आता है, तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लो आराम से,
अब अगला है, शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग फॉर द वेकेशन, मतलब उसने मेरे को बोला कि कहाँ जा रहे हो तुम वेकेशन में। अब देखो ये भी इंटरोगेटिव है, लेकिन ये WH वाले इंटरोगेटिव वाले हैं। अब इनमें देखो क्या होता है, इनमें अगर अगर ये पूछे जाए ना कि कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे कितने नंबर आए, तुम क्या सोच रहे हो, ऐसे कुछ आए, तो इनमें आस्क आ जाता है या फिर इंक्वायर्ड आ जाता है। ठीक है, जैसे इसमें आस्क्ड तीन ऑप्शन में है, तो ये तीनों में से कोई आंसर होगा। सेड वाला हो भी सकता है आंसर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता इन केसेस में, जब मैं WH वाला इंटरोगेटिव पूछे। तो अब ये देखो आपकी, फॉर द वे वी आर यू गोइंग, अब देखो सेड है, सेड क्या है, पास्ट है। अब पास्ट को हमें मतलब अंदर वाला सेंटेंस नहीं हो जाएगा, मतलब आर नहीं रहेगा, ये वाज हो जाएगा, ठीक है, और यू हो जाएगा आई। मतलब मेरे से पूछ रहा है ना, उसने मेरे से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, मैं ये बोलूंगा ना, उसने पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ऐसे बोलूंगा ना मैं, यू का आई हो जाएगा और आर का वाज होगा, तो वेयर आई वॉज या वेयर वॉज आई, इस तरह से होगा। अब देखो यहाँ पे हेडबिन है, मैं तो गलत ही हो गया, हेडबिन क्यों गलत हो गया, क्योंकि तो भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज ही नहीं कर सकते ना, परफेक्ट टेंस हो गया, तो इसमें चेंज पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं कर सकते, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, तो वेयर आई वॉज गोइंग इस तरह से होगा। अब देखो वेयर आई वॉज गोइंग तो हो सकता है, वेयर आई वॉज गोइंग भी हो सकता है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वाला क्यों नहीं होगा, ये क्योंकि इससे सेड आ गया, आस्क आना चाहिए, ठीक है, तो इन दोनों में से कोई सा हो सकता है। ही आस्क मी वेयर आई वॉज गोइंग फॉर द वेकेशन, ये देखो सही है, दैट नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना, जब भी इस तरह के सेंटेंस होते हैं इनमें दैट का यूज नहीं करता है, दैट रिडंडेंट होता है। ठीक है, जब आस्क्ड मी आ गया ना जब, तो दैट की फिर जरूरत नहीं है, तो इसलिए पहला ऑप्शन का सही हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना, जब भी इस तरह का सेंटेंस आएगा आपको पहले तो आस्क्ड यूज करना है, उसके बाद दैट यूज नहीं करना, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हुआ। इस तरह के और कोई सेंटेंस में आपको डाउट हो ना, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मॉक टेस्ट में कोई ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत लोगों को डाउट्स होता है, तो मैं आपको डाउट क्लास में इसके बारे में बता दूंगा बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया आंसर, ठीक है, शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग फॉर द वेकेशन। ये क्वेश्चन नोट कर लेना अपनी डायरी में या फिर जो भी आपके नोट्स हैं, ये वाला क्वेश्चन इस तरह सोल्व करना है, और एग्जाम में गलत नहीं होगा, वरना जरूर गलत हो जाएगा, ये वाले क्वेश्चन बहुत लोग गलत होते हैं, जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ बेसिकली क्लास में वो होते हैं जो काफी लोगों के गलत हो चुके होते हैं, या फिर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर मोस्ट कॉमन एरर्स उनमें पता लग जाए आपको अपने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, ही सेड शी इज गोइंग टू द पार्टी इजंट शी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो मैं स्लाइड में कराने वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करके रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलत होते हैं, मतलब बहुत ही कॉमनली यूज्ड एरर्स हैं लोगों के द्वारा। अब देखो इसमें इजंट शी आ गया, अब इजंट शी का मतलब होता है कि कोई श्योर नहीं है, श्योर नहीं है मतलब मुझे पक्का नहीं पता ये होगा कि नहीं होगा, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ इसके बारे में, ठीक है ना, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि तो आए कि वो पार्टी पे जा रही है, जा रही है ना पार्टी पे, हाँ ठीक है, तो कंफर्म कर रहा हूँ मैं कि जा रही है कि नहीं जा रही, जा रही है ना, नहीं जा रही क्या, इस तरह से, तो शी इज गोइंग टू द पार्टी इजंट शी, मतलब वो कंफर्म करना चाह रहे हैं कि वो पार्टी में जा रही है कि नहीं जा रही, तो जहां पे भी कंफर्म वाला ऑप्शन है ना वो सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही है। अब देखो पढ़ भी लेते हैं, ही कंफर्म वेदर शी वॉज गोइंग टू द पार्टी और नॉट, बिल्कुल सही आंसर है। अब और ऑप्शन क्यों गलत है देखो मैं बताता हूँ, ही टोल्ड दैट शी वॉज गोइंग टू द पार्टी, देखो ये तो गलत है क्योंकि ये पक्का थोड़ी ना है, उसने बताया थोड़ी ना, अगर ये बोलता कि ही सेड शी इज गोइंग टू द पार्टी और ये चीज ना होती इसमें, तो ये ऑप्शन थर्ड होता, थर्ड वाला, ठीक है, वरना अभी तो ऑप्शन गलत है क्योंकि ये पक्का नहीं है कि वो पार्टी में जा रही है कि नहीं जा रही, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो ही सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द पार्टी और नॉट, अब ये पूछ रहा मतलब ये कंफर्म कर रहा है, क्वेश्चन है कि जा रही है कि नहीं जा रही, इसने तो बता ही दिया कि ही सेड शी वॉज गोइंग टू द पार्टी और नॉट, इसलिए गलत हो गया है, ठीक है ना, मतलब इसमें ऐसी फीलिंग नहीं आई हमें कि वो पता करना चाह रहा है, वो इन जानना चाह रहा है कि पार्टी में जा रही है या नहीं जा रही, इसमें तो ये होगा कि वो बता रहा है कि पार्टी में जा रही है कि नहीं जा रही, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, ये पहला ऑप्शन देखिए, ही सेड दैट शी हैड बीन, तो देखो सेंस ही नहीं बनी कुछ, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट मतलब पास्ट परफेक्ट, मतलब देखो हैड बीन गोइंग तो सेंस ही नहीं, मतलब हैड बीन तो यूज ही नहीं होगा इसमें, वॉज गोइंग होगा यूज, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन तो सही होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अभी हुआ एक बार, शायद CGL 2021 या 20 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा एग्जाम में आ सकता है, बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए इस वाले जो इजेंट शी इस तरह की चीजें आती है ना, या हैजेंट ही या फिर इजेंट इट, इस तरह की चीजें यूज करते हैं ना, तो उनमें ये होता है कि वो कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कंफर्म्ड वेदर ही डिड दिस और नोट, इस तरह के आंसर इसमें होते हैं, ठीक है, तो ये वाला नोट करके रखना है, एग्जाम में आ सकता है। अब आगे देखो,
शी सेड शी मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स। अब देखो जहां भी ये आ जाएगा ना, मस्ट डू दिस, मस्ट डू दैट, अब इनमें देखो, शी सेड ही हैज टू लीव ऑल द बैड हैबिट्स। अगला, शी सेड दैट ही मस्ट हैव लीव, देखो ये गलत हो गया, हैव लीव ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है ये, ऑप्शन गलत हो गया। शी सेड दैट शी हैड टू लीव ऑल द बैड हैबिट्स, शी सेड दैट शी कुड लीव ऑल द, देखो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, शी कुड लीव तो सेंस ही नहीं बनता भाई, कैन होगा तो कुड यूज होगा ना भाई, तुम्हें छोड़नी है जरूरी है, तुम्हें सारी गलत आदतें छोड़ना, उसका ये थोड़ी ना हो तुम छोड़ सकती हो, अगर कैन होता और तब तो ये आंसर सही होता, अब तो गलत है ना, कैन तो यूज कर नहीं रखा हमने क्वेश्चन में, तो कुड तो गलत हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया और मस्ट है वाले क्वेश्चन। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या होगा आंसर, अब बहुत लोग है ना इसमें पहला ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन पहला ऑप्शन लगाना गलत होगा, क्यों, क्योंकि हैज टू नहीं होगा यूज, हैज टू होता है प्रेजेंट की फॉर्म देता है, ठीक है ना, हैड टू यूज होगा, क्योंकि देखो बाहर सेड लगा हुआ है तो इसको पूरे को पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, तो इसलिए हैड टू आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन तो सही हो गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पिछले स्लाइड में लास्ट सेकंड वाला क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद रखना, काफी बार यूज होता है, गलत भी होता है लोगों के, आप इन्हें ध्यान में रखना और आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बेसिकली मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है कि आप लोगों को इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं करनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप इसमें, मेन चीज है इसमें रूल्स याद रखना, जो मैंने स्लाइड में बताए हैं कि किस चीज को किस चीज में कन्वर्ट करते हैं वो याद रखना, और दूसरी चीज इनके रूल्स कि मतलब जैसे बाहर सेड हो तो अंदर का चेंज कर दो पास्ट टेंस में, और उसके भी मैंने रूल्स बताए थे, मतलब किस चीज को किस चीज में कन्वर्ट करना है और रूल्स क्या क्या, ये दो चीज, दो स्लाइड मैंने दिखाई थी ना अभी पहले, वे दो स्लाइड पोज करके याद कर लो, उनके नोट्स बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो जैसा भी आपको करना है, और वो अच्छी तरह रट डालो बढ़िया तरीके से एकदम, अगर आपने वो सारा कर लिया और जो मैंने इसमें क्वेश्चन कराए हैं वो कर लिए, और प्लस फिर आप क्वेश्चन करने, फिर आप यही करना है बस, फिर आप इस पे आ जाओ बस, टीयर टू के 22, 21 और 20 ये करना है, टीयर वन का मुझे मिला नहीं कोई खास ऐसा क्वेश्चन जो कि इतना अच्छा हो, अगर आप ये तीनों पेपर अटेम्प्ट कर लोगे टीयर टू के 22 के 21 के 20 के सीजीएल के, एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ये दो ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे इनके पहले, 200 नंबर का पेपर होता था, अब तो इतने नहीं आते, लेकिन फिर भी ये मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी स्कोरिंग है इनमें, गलत नहीं करना चाहिए आपको एक भी क्वेश्चन, अगर मॉक टेस्ट में भी बहुत कम लोगों का होता होगा वैसे गलत, जहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जितना मैंने बताया आप इतना कर लोगे आपको कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं देखो फिर से कह रहा हूँ फालतू का कुछ नहीं कुछ सोल्व करना, प्रीवियस ईयर पे फोकस करो, वो पकड़ के सोल्व कर दो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में ये दो क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों का आंसर मैं करके बताओ, काफी इजी है ये भी, जो भी क्वेश्चन सही करेगा मैं उसे बता दूंगा कि ये आंसर सही है, ठीक है। तो देखो इस वीडियो के लिए इतना ही, बस पढ़ते रहो ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, तो थैंक यू, जय हिंद।